सो वेलकम बैक नाविक रुद्र फैमिली। एनर्जी थोड़ी कम है। आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैं अपना नाम नाविक रुद्र से गरीब सेलर करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। सो वीडियो को छोड़ के जाना मत, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि दो बार मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए और उसको डिलीट किया। समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बातें शेयर करूं, क्या करूं, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है मतलब बहुत ख़राब है। चलो मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो वेलकम बैक गाइस। तो जब मैं स्टेशन पे वहाँ पहुँचा ना, स्टेशन इन द सेंस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद मैंने ना सुबह की एक ट्रेन पकड़ी, मेट्रो। ठीक है, तो जो लोग भी अभी यूके में साउथ टाइन साइड आ रहे हैं ना, साउथ टाइन साइड एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हो, तो अगर फ़िलहाल अभी की चाइचेस्टर में उतरना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा पहले ही, अगर आप लोगों ने पता कर लिया है तो ठीक है। तो चाइचेस्टर का अभी जो मेट्रो स्टेशन है वो रिपेयर में चल रहा है। अरे यार ये कहाँ आ गया मैं, सेमेट्री है यहाँ पे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। यहाँ पे चाइचेस्टर वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो अभी रिपेयर में चल रहा है। ठीक है, तो मुझे कहाँ आना पड़ा, चाइचेस्टर तो उतरा नहीं, वहाँ से एक बस पकड़ी मैंने 900 नंबर की। अब ये सब पकड़ी ये वो इसके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाग्य ख़राब निकला इस बार मेरा। बिकॉज़ अगर डायरेक्टली चाइचेस्टर आ जाता मैं तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं और कंफर्ट भी सही रहता कि आराम से वहाँ से, मेरा कॉलेज ज़्यादा दूर है नहीं। तो आप लोग गूगल करके देखना चाइचेस्टर जो मेट्रो स्टेशन है। अच्छा ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं जो है ना यही सिर्फ नहीं बताने वाला, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि फ़िलहाल मैंने क्या किया घर खोजने के लिए। तो यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैंने पहले से कहीं बुकिंग की नहीं हुई थी, क्योंकि सारे ही दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि एक हफ्ते के लिए कॉलेज के जो हॉस्टल है उसको ले लेना, एंड देन यू ट्राई टू गेट अ प्रॉपर हाउस। तो हम लोग यहाँ पे घर कैसे लेते हैं, सबसे पहली बात, घर यहाँ लेने के लिए आपको जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वही दिलाते हैं, या तो आप ऑनलाइन, आजकल क्या हो गया, हर चीज़ पहले जो ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन होते जा रही है इंडिया में भी हर जगह ही। तो फ़िलहाल मैं ऑनलाइन भी ट्राई कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली जब घर पे था तो भी ऑनलाइन ट्राई कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ मिला नहीं। ठीक है, वहाँ से पहुँच गया ना चाइचेस्टर, मैंने ट्रेन व्रेन नहीं मिला मुझे, जो भी हुआ उसके बाद मैं पहुँच गया। यार बहुत बुरी कहानी है, मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता। एक्चुअली क्या हुआ कि मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी तो कोई रिजर्वेशंस थे नहीं, तो मैं मॉर्निंग में कहाँ पहुँचा, ब्राउन्स। ठीक है, ये भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, तो इनके पास ना वीकली बेसिस पे घर मिलता है। तो अभी मेरा आज तो एक वीक कंप्लीट हो गया, मंडे को मैं आया था ना, तो कल मुझे फिर से 100 pounds देने पड़ेंगे। सुनने के लिए 100 pounds लगता है, बट जस्ट इमेजिन 100 pounds इज़ नथिंग बट ऑलमोस्ट 10,000 rupees, और यू कैन से 9,500, एनीथिंग, वट एवर यू लाइक। तो अभी मैं वहाँ पर रुका हूँ, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वहाँ पर घर मिल गया। अर्ली मॉर्निंग में पहुँचा, भाई कितने लोग आए गए, नहीं मिल रहा है लोगों को, लेकिन उस दिन आई वॉज़ लकी दैट वहाँ जब मैं पहुँचा तो ब्राउन्स में एक रूम अवेलेबल था, तो कम से कम सर छुपाने की जगह मिल गई। अगर वहाँ नहीं मिलता ना, तो मैंने क्या प्लान बनाया था कि मैं जाऊँगा गुरुद्वारे में।
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गुरुद्वारा है जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही वीज़ा मिलता है, वीज़ा मिलते ही कॉलेज का हॉस्टल बुक कर लो, बिकॉज घर जो है अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो दैट इज़ ओके, जो कि बहुत ही कम चांसेस है। बिकॉज यू इमेजिन अगर किसी को ऑन द स्पॉट यहाँ पे अगर बंदा मिलता है रूम लेने के लिए, घर लेने के लिए, तो वो लोग उसको ही दे देंगे ना, है कि नहीं। तो फिर कोई इंडिया वाला हाल है यार, कोई क्यों आपके लिए बुक करेगा। तो बुक तभी करेगा जब आप एडवांस में पैसे दे दो, फ्रॉम द डे यू आर बुकिंग, फ्रॉम दैट डे ओनली इफ़ यू आर पेइंग, और अदरवाइज इफ़ दे आर कोई ऐसा हो जो आप घर जाने ही वाला हो, है ना, उस तारीख से, तो आप उस तारीख से फिर बुकिंग जब करोगे तो आपको मैंने उसके बाद का मिल जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, खाली घर की तकलीफ़ नहीं है, इस वीडियो से ये मत उठा लेना कि खाली घर के बारे में मैंने बकवास कर दी, ठीक है। घर तो है ही तकलीफ़, वो तो बुकिंग करना ही है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप पैसे भी बचा सकते हो, और पैसे से ज़्यादा हेडेक, ठीक है। यहाँ पे एक एक पाउंड का मतलब आप समझ रहे हो ना, बोलने के लिए तो एक प्रेशर कुकर 40 पाउंड का है यहाँ पे, वो भी मिलता नहीं है, कोई एक जगह पे मिल जाए तो ठीक है। तो मान लो 40 पाउंड है, हैं, हो गया ना 4000, वो भी मतलब मिल जाए तो भाग्य बनाओ। तो ये चीज़ें वो अपने इंडिया से बेस्ट क्वालिटी की भी लाओगे, नॉनस्टिक वाली भी ला दिया आपने, तो कितना पड़ जाएगा, बहुत से बहुत 2,500-3,000, है कि नहीं। बट यहाँ पे वो चीज़ मिलती ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो 2,000 में आप वहाँ से लाओ, और यहाँ पे साला, तो समझ रहे हो ना, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो आई थिंक इतना काफ़ी होगा। काफ़ी ऑकवर्ड सा लगता है ना ब्लॉगिंग करना, वेरी ऑकवर्ड, तो इसलिए इट्स बेटर। वो बंदा था ना पीछे में, थोड़ा फ्रीक आउट हो गया। एनी हाउ, तो आप क्या करना, कीप फॉलोइंग, क्योंकि नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये ब्लॉगिंग व्लॉगिंग का मेरा देखो उतना कोई शौक नहीं है, ये तो मैं अपनी जो है कि तकलीफ़ें जो है जो सबको ना हो। अब आप बताओ, अगर मैं आता, मुझे पहले से ये सब चीज़ें कोई बता देता तो यार कम से कम मैं पागल तो नहीं बनता यहाँ आके। सो तकलीफ़ घर की नहीं है, ना प्रेशर कुकर, ना चीज़ों की है, आपको बहुत तकलीफ़ है जो कि जैसे कि पार्टनर हो गया, ठीक है। अगर आपको तकलीफ़ नहीं है, सॉरी टू से, मेरी तकलीफ़ें हैं जो आपको ना हो, मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। सो जैसे पार्टनर, रूम पार्टनर भी पहले से ही चूज़ कर लेना, ठीक है, ताकि यहाँ आके आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो कि नहीं यहाँ आके टीम अप करना पड़े। देन मे बी लोगों को घर मिल जाते हैं तो वो वहाँ चले जाएंगे, आप अकेले रहोगे, 250-300 का 400 का एक रूम अगर आपको ही लेना पड़ गया तो कितना महंगा पड़ जाएगा महीने का। तो उधर से टीम बना लो, घर के लिए कोशिश करो, नहीं मिलता है तो ठीक है कम से कम हॉस्टल बुक कर लो, ठीक है ना। और चीज़ें क्या लानी है कमेंट करो, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिससे आप मैक्सिमम पैसा ही नहीं तकलीफ भी, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं पढ़ाई करने ना, वंस SQAs आर क्लियर, योर एग्ज़ाम्स आर क्लियर, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू नो, काम कर लो, पैसे कमाओ, घूमने जाओ, क्लब में जाओ, दारू पियो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। बट उससे पहले ये सब मत करो यार, ठीक है, और मत करो, करो आई डोंट केयर, आई मीन टाइम रहेगा तभी तो पढ़ोगे ना। अभी तो मैं निकला था घर देखने के लिए, हर दिन 5-10 किलोमीटर तो मिनिमम चल रहे हैं पैदल। कमेंट्स करना, जय हिंद जय भारत लिख देना, समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, और अच्छी नहीं लगी है ना तो सजेशन दे देना। चलो ठीक है, टाइम तो अभी फ़िलहाल है नहीं, तो मैं निकलता हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत।